ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरफ इस वक्त एक ही शो रूल कर रहा है। जी हाँ, चाहे वो चार्ट बॉक्सेस हो, चाहे वो टीआरपी के मामले में हो, चाहे वो व्यूअरशिप हो, या फिर वो लाइक्स या कमेंट्स का मामला हो, हर तरफ एक ही चीज़ छाई हुई है और वो है नन अदर देन ऑफकोर्स लॉकअप। जी हाँ, लॉकअप को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है और खुद करण कुंद्रा ने इस पर रिएक्शन दिया है। एकता कपूर ने प्रेज किया है एंड कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया है। तो देरी किस बात की, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त आप सभी को पता है कि लॉकअप जो है वो इस कदर छाया हुआ है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि हर किसी की निगाहें लॉकअप पर टिकी हैं। लॉकअप ने वो बेंचमार्क हासिल कर दिया है जो किसी भी रियलिटी शो के लिए इंडियन टेलीविजन पर, इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, बेसिकली किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। जी हाँ, लॉकअप 200 मिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार कर चुका है महज 20 से 25 दिनों में, यानी कि इस शो को शुरू हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी इस शो ने 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। एक टाइम पर इस शो को तकरीबन 3.5 मिलियन लोग देख रहे होते हैं एंड ये नंबर्स जो है ये भले ही सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ 100 मिलियन 150 मिलियन, लेकिन इट इज़ अ ह्यूज डील टू मेक दैट। जी हाँ, और इसी बारे में बात करते हुए करण कुंद्रा ने हाल ही में एकता कपूर के एक पोस्ट को शेयर किया जहाँ पर एकता कपूर ने वो फुटेज पेश की थी जहाँ करण लॉकअप के अंदर जाते हैं एज अ जेलर और लॉकअप के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, लॉकअप वासियों को, कैदियों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं दैट एक वक्त था जब हम लोग हमेशा ही कभी 10 मिलियन कभी 5 मिलियन इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब हम 100 मिलियन 150 मिलियन 200 मिलियन का आंकड़ा जो है छूते ही चले जा रहे हैं। और इसी को रीशेयर करते हुए करण कुंद्रा जो है वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। जी हाँ, एकता कपूर ने कमेंट अपने कैप्शन में लिखा है दैट मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड के बर्थडे से पहले हम 200 मिलियन का आंकड़ा जो है वो पार कर लें और 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हम गैदर कर लें। और इसी बात पर करण लिखते हैं, एकता कपूर योर विश इज आर कमांड। जी हाँ, एंड डेफिनेटली आर जेलर साहब इज रेडी फॉर द विश एंड फॉर द कमांड। जैसे ही एकता कपूर ने कमांड किया है, करण कुंद्रा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और इसी पोस्ट को रीशेयर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंगना रनौत ने भी ये पोस्ट शेयर किया है और यहाँ पर कंगना ने जो है क्लैपिंग इमोटिकॉन्स पोस्ट किए हैं एज एन अप्रिसिएशन पोस्ट। आपको इस पर क्या है कहना, आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।